नमस्कार। थर्मल ट्रिप क्या होता है? थर्मल ट्रिप में एक बाई मेटल स्ट्रिप होती है, इसमें दो मेटल होते हैं, तो जब उसकी हीटिंग होती है तो एक ज़्यादा फैलता है और एक कम फैलता है, तो हीटिंग होते ही ये बेंड हो जाता है। बेंड होने से ये मूव होता है, ये वाला हिस्सा। इसके मूव होने से उसके अंदर मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है MCCB के अंदर, ये कांटेक्ट ओपन हो जाता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है हीटिंग की, वो इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स होती है। ये देखिए, ये टाइम है, ये करंट है। तो इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इनवर्स, अगर एक बढ़े तो दूसरी कम हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप चलेंगे तो करंट बढ़ रही है तो टाइम ट्रिप का कम हो रहा है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, करंट कम है, यहाँ पर करंट ज़्यादा है, टाइम कम है। उसके बाद ये स्लो होता है, क्योंकि हीटिंग पे बेस होता है ना, तो हीटिंग होने से इसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो ये स्लो होता है। और ये ओवरलोड टाइप फॉल्ट होता है। अगर यहाँ 100 एम्पियर फ्लो कर रही हो, 50 एम्पियर आप और लगा दें तो उसको ओवरलोड कहते हैं। उस केस में ये थर्मल ट्रिप ऑपरेट होता है और ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है। ये स्वयंबल थर्मल ट्रिप का है। अब मैग्नेटिक ट्रिप क्या होता है? ये सप्लाई है, ये MCCB का कॉन्टेक्ट है, ये लोड है। और यहाँ हमने एक सीटी दिखा रखा है। ये सीटी MCCB के अंदर होता है, ये करंट सेंस करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। और कब करता है? जब कोई शॉर्ट सर्किट हो या हाई करंट फॉल्ट हो। जैसे मान लीजिए लोड में फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट करंट आ गई ऐसे, तो जब यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट होगी तो यहाँ करंट फ्लो होगी, ये करंट सेंस करेगा। इसमें कॉयल होती है, उस कॉयल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक और मैग्नेटिक टाइप का मटेरियल अट्रैक्ट होता है और उसके मोमेंट की वजह से ये ओपन हो जाता है। अब ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है शॉर्ट सर्किट में, तुरंत कॉयल एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ये ओपन हो जाता है। ये फ्यू मिली सेकेंड में ऑपरेट कर जाता है। आप आज यहीं समाप्त करते हैं।